हम आप सभी को लेकर आए हैं। अरे क्या बात है, हम लेकर आए हैं आप सभी को हरिद्वार के अंदर। आज लोकेशन चेंज हो चुके, आप कह रहे होंगे क्या बात है, चंडीगढ़ से बाहर आए हैं, फूलों की नगरी में आए हैं, बहुत ही सुंदर फूल। तो आज हम आपको हरिद्वार में लेकर आए हैं। हरिद्वार में हम देखने वाले हैं 1, 2 और 3 BHK के बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस अपार्टमेंट्स, प्लस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये टाउनशिप, जो कि 19 एकड़ की टाउनशिप होने वाली है। मैं देती हूँ अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले, क्योंकि वो थोड़ा ज़रूरी है। सो मेरा नाम मनीषा है, और हर बार की तरह आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरी दत्त पर। जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आगे आने वाली हमारी जितनी वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। एंड ऑल्सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो जैसा कि मैंने बोला, हरिद्वार के अंदर लेकर आए हैं हम, दिखाने वाले हैं आपको 1, 2 और 3 BHK के लग्जूरियस अपार्टमेंट्स, जो कि 19 एकड़ की टाउनशिप में बनी हुई है। यहाँ पर हम देखेंगे क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्ट्रॉ, होटल और भी काफ़ी कुछ देखने वाले हैं। जितना मुझे सुनने में आया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है ये सोसाइटी। सो ये देखिए, ये है हमारे टाउनशिप की मेन एंट्रेंस, बैंग ऑन हाईवे है, NH 58 के बिल्कुल साथ ही हमारा टाउनशिप आ जाता है। बात की जाए अगर हमारे इस लोकेशन की, तो यहाँ से हर की पौड़ी बिल्कुल 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। दिल्ली से बात करूँ, अगर दिल्ली से अगर हम आ रहे हैं तो दिल्ली से 90 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट चंडीगढ़ से तो बिल्कुल लगभग 2-3 घंटे के डिस्टेंस पे है, बस ज़्यादा नहीं। हम भी बहुत ही आराम से पहुँच गए, क्योंकि सड़कें जो हैं, हाईवेज जो हैं, बहुत ही आराम से पहुँचा देती है, क्योंकि बने बहुत अच्छे हुए हैं। तो ये हमारी मेन एंट्रेंस आ जाती है, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे हमारा ये एंट्री पॉइंट है, एंड बिल्कुल साथ ही में इसका एग्जिट पॉइंट है। सो सिक्योरिटी यहाँ पे प्रॉपर रहती है, 24/7 आज यहाँ पे सिक्योरिटी आपकी आ जाती है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन एंट्रेंस के बाद सीधा हम पहुंच चुके हैं हमारे बिल्कुल होटल के सामने, जिसका नाम है 4 Leaf Hotel। अंदर से जाके मैं देखूंगी और आपको भी दिखाऊंगी कि ऐसा होटल है। फ्रंट में पहले होटल आता है, बर्गर सिंह आएगा और भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। एंड देन इसके बिल्कुल बैक साइड पे हमें देखने को मिलेंगे हमारे फ्लैट्स, हमारे टावर्स। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि फ्रंट में टाउनशिप के अंदर सारी की सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कर दी गई हैं, सो दैट हमें कहीं दूर जाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। कल को हमारे कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, पार्टी हो रही है और कुछ शादी वगैरह का माहौल बना हुआ है, गेस्ट तो आएंगे तो वो यहाँ पर आके स्टे ले सकते हैं अपना यहाँ इस होटल में। तो चलिए सीधा मैं आपको रिसेप्शन एरिया पे लेकर चलती हूँ, आ जाइए। सो इस तरफ को हम जा रहे हैं अब सीधा हमारे होटल की फ्रंट एंट्रेंस पे, बट उससे पहले आप इस तरफ को देखिए, ये पार्किंग एरिया आ जाता है इधर। अगर आप होटल में जा रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी कार्स को पार्क कर सकते हैं। आफ्टर दैट ये हमारा रास्ता है बर्गर सिंह को, बर्गर किंग सुना होगा आपने, बट यहाँ पर बर्गर सिंह है। सो ये बर्गर सिंह यहाँ पर आ गया। एंड देन आफ्टर दैट हम बढ़ रहे हैं सीधा हमारे होटल 4 Leaf की मेन एंट्रेंस की और हमारे फ्रंट में, जहाँ पे हमें देखने को क्या मिलेगा वो वहीं जाके देखने को मिलेगा, आ जाइए। सो ये आ जाती है हमारे होटल की फ्रंट, बिल्कुल सामने ही। चलते हैं अंदर एंड देखते हैं। हम आ चुके हैं हमारे होटल के अंदर। यहाँ पर आते ही सबसे पहले हमारा वेटिंग एरिया आ जाता है, इस तरफ को रिसेप्शन एरिया है। भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम, क्या बात है। सो ये हमारा रिसेप्शन एरिया आ गया। आफ्टर दैट मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ खाना पीना भी तो करना ही होगा अगर होटल आए हैं तो। मैं आपको दिखा रही हूँ मोती महल डीलक्स रेस्टोरेंट, आ जाइए। सो ये आता है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस एंड बहुत ही कमाल के इंटीरियर वर्क के साथ
हमारा रेस्टोरेंट। और यार आज जब हम दोपहर में यहाँ पर पहुँचे थे, हमने यहाँ पे लंच भी किया है, लंच वॉज सो डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना था, बहुत ज़्यादा एकदम गरम गरम खाना आया, भूख बहुत लगी हुई थी, शूट से पहले हमने खाना खाया, बहुत मज़ा आया। तो ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस, आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ यहाँ पर डिनर, ब्रेकफास्ट एंड लंच, बहुत मज़ा आएगा, एक पार्टी भी कर सकते हैं आप, तो इतना स्पेस आपको मिल जाता है। तो ये जो रेस्टोरेंट है मुझे बहुत पसंद आया है। तो ऑफकोर्स जैसे आपकी पार्टी वगैरह हो रही है और बहुत सारे गेस्ट आए हैं, तो ओपन एरिया बहुत स्पेशियस चाहिए ही चाहिए। तो ये आ गया हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट के साइड में ही, बिल्कुल बैक साइड पे हमारा ओपन स्पेस, जहाँ पे हम कर सकते हैं एक पार्टी, बहुत ही बढ़िया सी गैदरिंग हो सकती है। लगभग मेरे हिसाब से तो काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं यहाँ पे, 150-200 लोग तो बहुत ईजिली आ जाएंगे, आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, मे बी उससे ज़्यादा, मैं एस्टिमेट लगा नहीं पा रही हूँ, बट बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस एरिया हमें मिलता है पार्टी करने के लिए। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी इस सोसाइटी का क्लब हाउस, जहाँ पे स्विमिंग पूल, जिम एरिया एंड बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो हमारी एंट्री आ जाती है, ये बेसिकली रिसेप्शन एरिया यहाँ का रहेगा। डेली नीड्स की चीज़ें लेने के लिए आपको बाहर, अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, टाउनशिप से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ही एक अपना बहुत ही बड़ा स्पेशियस सा डिपार्टमेंटल स्टोर दे दिया गया है। कुछ भी चाहिए आप यहाँ पे आइए एंड ले लीजिए, बाहर जाने की, दूर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही में सेलो भी है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे क्लब हाउस के अंदर आपका जिम, ये देखिए। सो ये आपका जिम है, जहाँ पे आप आराम से आके सुबह शाम जिमिंग कर सकते हैं, जिम करिए, सामने आपका स्विमिंग पूल है, स्विमिंग करिए, जिमिंग करिए, स्विमिंग करिए। आपकी फिटनेस बहुत ज़रूरी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये सब बनाया गया है। तो अब मैं जा रही हूँ पूरी सोसाइटी घूमने एंड आप सभी को घुमाने भी गोल्फ कार से, आप सभी भी आ जाइए, चलिए देखते हैं इस सोसाइटी को एक बार। बात की जाए अगर सोसाइटी की, यार सोसाइटी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनी हुई है। इसके नियर बाय की अगर बात करूँ, अगर आपको चाहिए एंटरटेनमेंट, गर्मियों का वक्त है यार, गर्मियों का वक्त है, इसके बिल्कुल सामने आपको क्रिस्टल वर्ल्ड नज़र आ जाएगा, वो अभी बाहर जाके दिखाऊंगी। आप जा सकते हैं वहाँ पर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड इन्जॉय कर सकते हैं टाइम, बहुत ही कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पर। एंड साथ ही में पतंजलि के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, तो पतंजलि योगपीठ जो है यहाँ से, इस सोसाइटी से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे मिल जाएगा। आफ्टर दैट अगर जैसे मैंने बताया हर की पौड़ी, जहाँ पे आपको शाम की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी गंगा आरती देखने को मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा, जो वो वहीं पर ही मिलेगा, वो आपको यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे मिल जाएगा। एंड ऑफकोर्स जो सोसाइटी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्रीनरी, सब बहुत सोचते हैं इसके बारे में, सबको ग्रीनरी चाहिए, सबको एयर पोल्यूशन से बाहर आना है, नॉइस पोल्यूशन से बाहर आना है। तो यार ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप यहाँ पर आओ और रह जाओ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, एक बार कोई आ गया ना डेफिनेटली रह ही जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। तो आइए अब आपको सैर कराते हैं इस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से 19 एकड़ के अंदर बने हुए टाउनशिप की। सो जो ये प्रॉपर प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर रेरा अप्रूव्ड रहेगा, सबसे बेस्ट पार्ट यही है, कोई टेंशन की बात नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट आपको दिखा रहे हैं आज हम। जो इसका फेज 2 है वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, जिसमें आपको 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK के स्पेशियस साइज के अंदर ऑप्शन मिलने वाले हैं। दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ये पार्क, जो कि हमारे टावर्स के बीच में रहेगा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस पार्क है, आप खुद देख सकते हैं। एंड ग्रीनरी, ओ माय गॉड, बहुत सुंदर ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन की गई है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये हमारा जो फेज 1 है। एक्सपेक्टेड यही है कि फेज 2 भी हमारा बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, इससे भी ज़्यादा बोलूँगी मैं, और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ के साथ होने वाला हमारा फेज 2। तो बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पे झूले वगैरह हैं छोटे बच्चों के लिए, इंजॉय कर सकते हैं हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं,
बच्चे हैं उनको आप यहाँ पे लाइए, आराम से वॉक करिए, सुबह शाम की जॉगिंग हो सकती है, आराम से आकर बैठ भी सकते हैं। हमारे टावर्स के बीच में है बिल्कुल, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा मुझे तो ये पार्क। आप बताइए आपको कैसा लगा। तो हमने हमारा पार्क तो देख ही लिया है, जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस, बहुत सारी ग्रीनरी को मेंटेन करते हुए हमारा पार्क था। अब उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ स्विमिंग पूल, जहाँ पे अब क्योंकि गर्मियों का टाइम आ चुका है यार, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो चुकी हैं, तो अब गर्मियों के वक्त में हमें ज़रूरत होगी ऑफकोर्स स्विमिंग पूल की। तो यहाँ पर आता है हमारा स्विमिंग पूल, क्या बात है। चलिए मैं नीचे जाके आपको एक बार दिखाती हूँ। सो अब हम दिखा रहे हैं आपको स्विमिंग पूल, जैसे हमने ऊपर से देखा था, ऊपर से मैं दिखाया था आपको, नीचे आ चुकी हूँ। और नीचे ये देखिए, ये स्विमिंग पूल है, काफ़ी अच्छा स्पेस हमें स्विमिंग पूल का मिल जाता है। एक मैं आपको बताऊँ, प्लस पॉइंट ऐसा है कि ये ओपन भी है और काफ़ी स्पेशियस भी है, तो आप देख सकते हैं आराम से आपकी स्विमिंग हो सकती है, आपके बच्चे वगैरह आएंगे इधर, मिनी स्विमिंग पूल भी आप कह लीजिए, एक छोटा स्विमिंग पूल भी है इधर, आपके बच्चे भी स्विमिंग कर सकते हैं। बैक साइड पे बड़ा स्विमिंग पूल है, आराम से आप स्विमिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफकोर्स हम हरिद्वार में हैं तो सब जानते हैं कितने स्पिरिचुअल लोग यहाँ पर हैं और कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल ये जगह है। सो यहाँ पर हमारी सोसाइटी के अंदर एक सेपरेट मंदिर भी है, ऑफकोर्स मंदिर का होना तो बहुत ज़रूरी है ताकि एक कनेक्ट रहे भगवान के साथ भी, एंड पॉजिटिविटी भी रहती है बहुत ज़्यादा। तो जो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्किंग और प्लस क्लब हाउस की तरफ को जाता है। सो ये आ गया बर्गर सिंह का आउटलेट, आपको आपकी इस सोसाइटी के अंदर मिल रहा है यार। कैन यू इमेजिन, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, साथ ही में बर्गर सिंह भी है, जहाँ पे आप अपने इन्जॉय करिए मील्स को, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको बिल्कुल भी, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यार आपकी इस सोसाइटी के अंदर ही मिल रहा है। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को लेकर यहाँ पर आइए एंड कुछ स्नैक्स वगैरह इन्जॉय करिए, बहुत ही ज़्यादा मज़े आएंगे। सो मैं भी अब कुछ इन्जॉय करना चाहूँगी, कुछ खाना चाहूँगी यहाँ पर। सो हम आपको दिखा रहे हैं अब 1 BHK का एक स्टूडियो अपार्टमेंट, बिकॉज एक स्टूडियो भी बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइज़ काफ़ी अच्छा है। नॉर्मली अभी जो इसका साइज़ है, जो हम अभी पुराने वाला देख रहे हैं, सेम ही मिलेगा, बट हमें मिलेगा साइज़ बहुत बड़ा, एक बड़ा साइज हमें मिलने वाला है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इधर सिटिंग एरिया आ गया, इधर आपको छोटा सा एक पेंट्री कम किचन दे दिया गया है। आपका बेडरूम तो आपने देख ही लिया है, और ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम। सो आपका अटैच्ड वॉशरूम आ गया, शार एरिया इधर है, आपका वैनिटी स्पेस इधर आ गया। सो अब हम एंटर कर चुके हैं हमारे 2 BHK फ्लैट की ओर। सबसे पहले एंट्रेंस पे ही, एंटर करते ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमारा फर्स्ट बेडरूम। ये देखिए, ये फर्स्ट बेडरूम आ गया, बहुत ही ब्यूटिफुली तैयार किया गया है फर्स्ट बेडरूम को। सेंटर में हमारा बेड है, साइड टेबल्स आ गए हैं, उसके बाद भी हमें मूव करने के लिए अच्छी खासी जो है स्पेस मिल जाती है। नीचे फ्लोरिंग की गई है, प्रॉपर वुडन की फ्लोरिंग हमें देखने को मिल रही है। इधर टीवी पैनल आ गया, इस तरफ को स्टोरेज के लिए मतलब हमारे क्लोथ्स के लिए वार्डरोब्स इधर दे दिए। इधर एक कॉमन वॉशरूम आ गया है बिल्कुल सामने ही। आफ्टर दैट यहाँ पर आप देखिए, ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस, ये ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आ गया, काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया मिल रहा है। सो ये आ गई हमारे घर की किचन, काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके साथ आपकी एक ओपन वॉशिंग एरिया रहेगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुझे इसीलिए लग रहा है क्योंकि आसपास में हमें सिर्फ और सिर्फ नेचर ही नज़र आ रहा है। और किचन की बात की जाए तो लोअर कैबिनेट्स, अपर कैबिनेट्स बहुत ही सारे हैं, तो स्टोरेज की प्रॉब्लम तो हमें डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आफ्टर दैट ये है हमारा सेकेंड बेडरूम, ये देखिए। सो ये हमारा सेकेंड बेडरूम आ चुका है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसके साथ आपकी बिल्कुल साइड की बालकनी आ जाएगी। मैं दिखाती हूँ आपको एक बार, ये साइड बालकनी आ गई है, काफ़ी अच्छी स्पेशियस बालकनी हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद इधर वार्डरोब्स आ गए हैं, हमारे क्लोथ्स इजीली फिटन हो जाएंगे। आफ्टर दैट इधर आ गया है हमारा अटैच्ड वॉशरूम,
से हमारा अटैच्ड वॉशरूम आ गया। तो दोस्तों देखिए, मैं जैसे तारीफ कर ही रही थी, मैम मिल चुके हैं जो यहाँ पे रहते हैं। हेलो मैम, कैसे हो आप? ठीक है। ठीक हो, बहुत ही अच्छी बात है। मैम कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? 4 साल। 4 साल हो गए हैं। तो 4 साल में आपको क्या लगता है, आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे रह के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। जी क्या बात है, क्या बात है। और ये कौन है? ये मेरी नातिन है। नातिन है, हेलो। कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हो, मजा आता है आपको यहाँ पे रहने में? हाँ। बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे रहने में? हाँ। बहुत सुंदर है ये? हाँ। क्या बात है, क्या बात है। मैम बहुत ही ज्यादा, हमें भी बहुत अच्छा लगा है। एंड आप तो यहाँ पे खुद रह रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको अच्छा ही लग रहा होगा। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। तो आप सभी को ये सोसाइटी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये सोसाइटी दिखाने का आज का मेरा यही मोटिव था। तो ये सोसाइटी का जो नाम है, आरोग्यम नाम से रखा गया है इस सोसाइटी का, यही कंपनी आपके लिए फेज 2 लेकर आ रही है, क्योंकि इनका जो फेज 1 है तो बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिली है। 300 प्लस फैमिलीज यहाँ पर ऑलरेडी रह रही हैं एंड बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है हर किसी को। आप किसी से भी पूछेंगे इस सोसाइटी के बारे में तो कोई भी नेगेटिव बात आप नहीं सुनने वाले, पॉजिटिव ही सुनेंगे। ऑफ कोर्स हम यहाँ रहते नहीं हैं, हम सिर्फ वीडियो बनाने आए हैं, आप सभी को दिखाने के लेकर आए हैं। हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ऑफ कोर्स जो यहाँ रहते होंगे उनको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा यहाँ पर रहकर, बहुत ही ज़्यादा कमाल की सोसाइटी। तो सेम सोसाइटी आपके लिए लेकर आ रहे हैं 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK, जिसमें आपको इससे भी ज़्यादा एमिनिटीज देखने को मिलने वाली हैं। अगर जानना चाहते हैं उसके बारे में कुछ भी, नीचे से नंबर ले लीजिए एंड कंपनी की वेबसाइट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कभी भी आप जाके चेक कर सकते हैं एंड कभी भी हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा सो दैट हम सभी अगली वीडियो में मिलते रहे। चलिए नमस्कार, शुक्रिया।